हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम वैसे सुबह चुप चुप के मूवी के और भी सीन देख रहे हैं। आप लोग कह रहे थे इसके और भी सीन लाओ, तो कानून कर रहे हैं धीरन एंड सर। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? हाँ। रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चलती है। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा था? हेटर बनकर मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। बोल पड़ा भाई। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। भाई सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। चुप कर कुत्ते, सो जा। ए, ए, साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है, इतने महीने से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। अरे कोई है क्या? क्या? मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चलो चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एडवर्ड तेरे सपने में समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तेरे सपने में ए बांडिया। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बोला। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब
चलो बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पट्टी दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना, जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाजू बाजू पैसा दो, पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है, क्या बात है? अब 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 आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या, घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चलाया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चलवे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या? बैग में पैसे है, देने आया? अरे बाप रे, क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और। क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले बेवकूफ, खड़ा क्यों? तो खोल ले, खोल ले, देखते हैं, खोल। एकदम उठ कर देखते ये बोल के ना, और छाछ पे पी रहे थे साथ में यार, सीरियसली लैक्स लेवल था। और फिर वो पैसे दे के राजपाल यादव बहुत बेहोश, और भी सिंह तुम कहना बहुत ज्यादा कार्यक्रम।